इंदौर के भागीरथपुरा में कुदरत का अजीब करिश्मा देखने को मिला है, जहां एक गाय ने दो मुंह वाले बछड़े को जन्म दिया। इस अद्भुत बछड़े के दो मुंह और चार आंखें हैं। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग इसे ईश्वरीय चमत्कार करार दे रहे हैं। भागीरथपुरा में कुदरत का अद्भुत करिश्मा, गाय ने दो मुंह और चार आंखों वाले बछड़े को दिया जन्म। ईश्वर का चमत्कार बताकर लोग करने पहुंचे पूजा। बछड़ा दोनों मुंह से पी रहा दूध। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में पशुपालक प्रेमचंद्र माली के यहाँ कुदरत का एक अद्भुत नजारा देखने को मिला। एक गाय ने दो मुंह वाले बछड़े को जन्म दिया, जिसकी चार आंखों के साथ ही दो मुंह हैं। बछड़ा दोनों ही मुंह से दूध पी रहा है और परिवार बछड़े की काफी देखरेख भी कर रहा है। बछड़े के अनोखे होने के चलते बछड़े को देखने के लिए क्षेत्र के लोगों की काफी भीड़ बाड़े में उमड़ पड़ी है, जिसे लोग काफी अद्भुत और ईश्वरीय चमत्कार करार दे रहे हैं। जन्म के बाद जब लोगों को पता चला तो वह बछड़े की पूजा करने के लिए पहुंच गए। परिश्रम से और बहुत मुश्किल से उसका जन्म हुआ है और मेरे ख्याल से इसमें 5-7 जने लगे उसको व्यवस्थित में, और डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर भी थे, डॉक्टर साहब मोरे के, इनके सप्तान में हुआ काम उसका, क्योंकि उसकी जो गर्भ निकलने की जगह थी जो उतनी कम, बहुत कम थी, 4 इंची जगह, और बच्चे का 8 इंची 10 इंची का सर था, बड़ी मुश्किल से निकाला गया। ये तो भगवान ही जानता, हम तो क्या कुदरती माया है, पहली बार ऐसा देखा हमने भी। हमारे भविष्य काल में हमारे पूर्वजों के टाइम से गाय ढोरों का मतलब रखते हैं, और गाय रखना हमारा मतलब स्वाभाविक है कि हर घर पे हमारे परिवारों में गाय है। इसमें तो लोग ये बोल रहे कि लक्ष्मी रूप है, कोई बोल रहा है कि शंकर पार्वती रूप है, हर तरह का बात कर रहे हैं जनता। अब अपन तो क्या जानते हैं भैया कि गाय का बछड़ा है। इसका विशेष ये रहा कि इसके दो सर और दो मुंह बने हुए हैं, और इसका हमको पल्ले नहीं पड़ पा रहा कि इसको दूध कैसे पिलाएं, बड़ी मुश्किल से पिला रहे हैं। दो रोज हो गए हैं, बड़ी परिश्रम करके दूध पिलाते, तीन व्यक्ति लग रहे हैं अभी इसमें। हमारे यहाँ गाय का बच्चा हुआ है, इसके दो मुँह हैं, चार आँखें। अब जो भी अब क्या है, ये किसका रूप लेकर आया ये तो हम नहीं जानते, मगर सब लोग बोल रहे भगवान का रूप है, पार्वती का रूप है। और इसका जन्म भी बड़ी उससे हुआ था, बहुत दिक्कत आई थी इसकी माँ को भी और हमको भी, बहुत उस समय का समय बहुत निकालना यानी कि बहुत मुश्किल था, मगर अब अच्छा है, बच्चा भी बढ़िया है, उसकी माँ भी बढ़िया है। और बच्चे को दूध पिलाते समय हम डॉक्टर मौर्य जी आए थे, उन्होंने अब बोला है, अब चेकअप करा, मगर बोले ठीक है, बच्चा तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, मगर बोले उसको दूध पिलाते समय 3-4 जने हम लगते हैं। और दूध एक जो दूध है, एक मुँह तो उसकी माँ का दूध पिलाया जाता है, एक तरफ से बिटनी से दूध पिलाया जाता है, और ये बाकी दो भाई दोनों मुँह एक साथ चलते हैं, उसे भरत मुँह वाला। प्रेमचंद मालिक का परिवार पशु चिकित्सक से संपर्क बनाए हुए है और समय समय पर पशु चिकित्सक से परामर्श भी ले रहा है। पशु चिकित्सक के अनुसार सैकड़ों गाय के जन्म के बाद एक अनोखा ऐसा मामला सामने आता है। शाम को जब ऑनर का मेरे पास कॉल आया कि गाय की डिलीवरी हो रही है और परेशानी पड़ रही है, जब मैं आया तो उसके दो पैर बाहर थे। अधिकतर जनरली क्या होता है कि दो पैर के साथ हेड आता है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है, पर जब मैंने देखा इसको कि गाय बड़ा परेशान हो रही थी, रिकम्बेंट थी, आड़ी पड़ी हुई थी, जब फिर मैंने उसको पालपेट मतलब हाथ डाल के जब उसको चेक करा मैंने और उसकी वजाइना को डायलेट करा और पैर को खिंचवाया, तब जाके वो डिलीवरी हो गई। ऐसा मैं देख के बड़ा शौक हुआ। लाखों हजारों में ऐसा होता है कि कोई दो मुँह का बच्चा आता है, अधिकतर एक बच्चे का हमको मुँह साफ वगैरह करना पड़ता है कि वो सांस ले सके, कर सके, मुकर जमा रहता है उसके नोज़ वगैरह पे। मेरे को एक की जगह दो नोज़ पे साफ सफाई करके हमने उस बच्चे को रहा। बच्चा बड़ा कमज़ोर था और मेरे को था कि शायद ही सर्वाइव कर पाएगा, लेकिन एक भगवान का मैजिक बोलें, चमत्कार बोलें, कि बच्चा था। हमने उसके दोनों मुंह उसके चल रहे थे। अब उसमें क्या होगा, इन बच्चों के अंदर ये थोड़ा सा जीन सिक्वेंसिंग की वजह से ऐसा हो जाता है कि दो मुंह के बच्चे जनरली ऐसा होता नहीं है। इसका स्टमक तो एक ही रहेगा, पर दोनों मुंह इसके
में अपन को फीडिंग चाहे अपन एक में कर सकते हैं, लेकिन इसके दोनों मुंह चलते रहेंगे। और मैंने ऑनर को समझाया है कि आप ये मत सोचिए कि इसका है दो मुंह है तो आपको इसको दोनों तरफ से फीडिंग करना है, जितनी इसको ज़रूरत है उतनी ही फीडिंग करना है और फीडिंग से इसको बचना है। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चा सर्वाइव कर रहा है और बढ़िया है, हेल्दी है, स्वस्थ है। गाय माता सनातन धर्म पूजनीय मानी जाती है। जब लोगों को इस वाक्य के बारे में पता चला कि बछड़े के दो सिर और चार आंखें हैं तो लोग इसे आस्था और ईश्वरीय चमत्कार से जोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।